हाय फ्रेंड्स, एचपी का लेजरजेट प्रिंटर 1005 जिसके की फंक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इससे भी ज्यादा सिंपल है इस प्रिंटर को यहाँ पर रीसेट करना, यानी कि फैक्ट्री रीसेट करना। तो तरीके से हम इसको यहाँ पर रीसेट यहाँ पे यानी कि रीस्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके जहाँ पे मेन्यू में चल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंटर जो रेडी स्टेट में है और इस मेन्यू पे जो यहाँ पे ओके बटन इसको यहाँ पे प्रेस कर देते हैं और राइट एरो की को इसको एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे सर्विसेज में चले जाते हैं। इसको फ्रेंड्स आपको ओके कर देना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर रीस्टोर डिफॉल्ट्स करके यहाँ पे सेटिंग आ गई है जिसको आपको यहाँ पर ओके बटन इस पर प्रेस यहाँ पे कर देना है। और इसके बाद ओके के लिए पूछ रहा है हमसे दोबारा से, तो हम ओके इसको कर देते हैं कि जो सेटिंग है रीस्टोर डिफॉल्ट्स यहाँ पर प्लीज वेट आ गया, तो सेटिंग यहाँ पर जो रीस्टोर इसकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इनिशियलाइजिंग आएगी यहाँ पर और प्रिंटर देखिए यहाँ पर रेडी स्टेट में हमारा आ गया है। तो यहाँ पर जो प्रिंटर की सेटिंग रिस्टोर हो गई है। सेकंड मेथड में फ्रेंड्स आपको प्रिंटर को पहले यहाँ पर इसका ऑफ बटन कर देना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो कैंसिल की है और राइट एरो की दोनों को एक बार यहाँ पर प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के साथ ही आपको प्रिंटर को ऑन यहाँ पर करना है। तो जैसे आप ऑन करेंगे ये देखिए परमानेंट स्टोर यानी नाइटी यहाँ पे ऑप्शन आता है और जैसे आप इसको छोड़ देंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं प्रिंटर जो है अपनी फैक्ट्री रीसेट वाली कंडीशन में आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश में यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद लोकेशन में अपनी यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है ये। तो फ्रेंड्स इस हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।